वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है एक रेड कलर की वूल और एक वाइट कलर की, और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर सा बेबी स्वेटर के लिए टू कलर में स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए, डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो ये मैंने यहाँ पे एक उल्टे एक सीधे का बॉर्डर बनाया है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल फंदे लेके और एक फंदा प्लस किया है। जैसे पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, लास्ट में हमारा एक फंदा रहना चाहिए तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से सेटल हो जाएगा। तो ये मैंने बॉर्डर बनाया है एक उल्टे एक सीधे का, फिर मैंने 2 सिलाई बनाई है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो मैंने सेकंड कलर यहाँ पे वाइट लगा लिया है। अब 3 फंदे हम रेड के बनाएंगे, 1 2 3। अब एक फंदा हम वाइट का बनाएंगे, फिर 5 फंदे हम रेड के बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़ के और जो आगे हैं, 1 फंदा वाइट 5 रेड, 1 वाइट 5 रेड, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर से 5 फंदे रेड के बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर एक फंदा वाइट का बनाएंगे। लास्ट में जब आपके फंदे बचेंगे तो लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो 3 फंदे रेड बुन लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में 3 फंदे रेड थे, लास्ट में भी हमारे 3 फंदे रेड ही बचेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। तो सेकंड रो पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे ही प्रोजेक्ट में जो फंदा जिस कलर का है सेम उसी कलर से बनाते जाएंगे। रेड है रेड बनाएंगे, वाइट है वाइट बनाएंगे, रेड है रेड बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 3 फंदे रेड के हैं तो इनको रेड बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। 1 वाइट, फिर से 3 रेड, 5 रेड, सॉरी, साइड में हमारे 3 3 फंदे रेड होंगे और बीच में हमारे 5 फंदे रेड एक वाइट बनाते जाएंगे। तो इसको ऐसे यहाँ से एक फंदा वाइट, फिर से 5 फंदे रेड, फिर से एक फंदा वाइट, फिर से 3 फंदे रेड। तो ये हमारी सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम थर्ड रो में, राइट साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयों का डिजाइन और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आएगा। अब आ गए थर्ड रो में। तो यहाँ पे 2 फंदे अब हम रेड बनाएंगे, 1 और 2, फिर एक फंदा हम वाइट बनाएंगे, फिर एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर एक वाइट बनाएंगे, फिर 3 फंदे रेड के बनाएंगे, 1 2 और 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग के 2 फंदे रेड छोड़ के, ये छोड़ के, और इन्हीं फंदों को बार बार, 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो फिर से एक फंदा वाइट बनाएंगे, 1 वाइट, फिर से एक फंदा रेड, फिर से एक फंदा वाइट, फिर से 3 फंदे रेड। तो सेकंड रिपीट हमारा फिर से कंप्लीट हुआ। अब ये यहां से यहां तक दूसरा रिपीट हमारा कंप्लीट है, 1 वाइट 1 रेड, 1 वाइट 3 रेड। अब फिर करेंगे तो एक फंदा वाइट बनाएंगे, एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर से एक फंदा वाइट बनाएंगे, और लास्ट में हमारे ये 2 फंदे बचेंगे। जैसे स्टार्टिंग में 2 रेड थे तो लास्ट में भी 2 ही बचेंगे रेड फंदे।
तो ये थर्ड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम फोर्थ रो में। फोर्थ रो में फिर से ऐसे ही बना लेंगे, जो फंदा जैसा है उसको सेम वैसा ही बनाएंगे। तो अब आ गए राइट साइड में पांचवी सिलाई पर। तो पांचवी सिलाई में ध्यान दीजिएगा, ये स्टार्टिंग का फंदा है एक रेड बनाएंगे, फिर ये रेड फंदा है इसको वाइट बनाएंगे, फिर से ये वाइट है इसको रेड बनाएंगे, फिर से वाइट बनाएंगे। तो ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनती जाएगी, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, ऐसे ही इसको पूरी रो को बना लेंगे। एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, एक रेड, ऐसे ही इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पांचवी सिलाई हमारी फिफ्थ रो बन के कंप्लीट हुई। अब आएंगे हम छठी सिलाई, सिक्स्थ रो में रोंग साइड में। तो जो फंदा जैसा है सेम कलर से उसको वैसे ही बनाते जाएंगे। रेड है तो रेड से बनाएंगे, वाइट है तो वाइट से बनाएंगे, फिर से रेड है तो रेड से बनाएंगे, फिर से वाइट है तो वाइट से बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब आ गए हम राइट साइड में सातवीं सिलाई पर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो फंदा रेड है उसको वाइट बनाएंगे, जो वाइट है उसको रेड बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है इसको, जिसको थोड़ी सी भी बुनाई आती है वो भी इसको आसानी से बुन लेंगे। तो ये रेड फंदा है तो इसको वाइट बनाएंगे, ये वाइट है तो इसको रेड बनाएंगे। इन्हीं दो फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो एक फंदा वाइट, फिर से एक फंदा रेड, फिर से एक फंदा वाइट, फिर से एक फंदा रेड, फिर से एक फंदा वाइट, ऐसे ही इसको बनाते जाएंगे पूरी रो को। वाइट है तो रेड बुन देंगे, और ये रेड फंदा है तो इसको वाइट बुन देंगे, फिर वाइट को रेड बुनेंगे, रेड को फिर वाइट बनाएंगे। तो ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनती जाएगी, एक फंदा वाइट एक फंदा रेड। ये हमारी सेवंथ रो थी, यानी सातवीं सिलाई राइट साइड से। कैसे, अब आएंगे हम आठवीं सिलाई में रोंग साइड में। जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे सेम कलर से। वाइट है वाइट बुनेंगे, रेड है तो रेड बुनेंगे। अब आ गए हम राइट साइड में नौवीं सिलाई में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो फंदे वाइट बनाएंगे, दो फंदे वाइट, एक फंदा रेड, फिर एक फंदा वाइट, फिर एक फंदा रेड, फिर से तीन फंदे वाइट, एक दो और तीन। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ के इन छह फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। एक रेड एक वाइट, एक रेड तीन वाइट, इन्हीं फंदों को आगे रिपीट करते जाएंगे। तो एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर से तीन फंदे वाइट बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये छह फंदे बार बार रिपीट करेंगे। फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे, एक फंदा वाइट बनाएंगे, फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे। जब आप लास्ट में होंगे तो आपके दो फंदे बचेंगे, इन दो फंदों को वाइट बना देंगे, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में भी दो फंदे वाइट हैं और लास्ट में भी दो वाइट हैं। अब आ गए हम दसवीं सिलाई में। इसको जो फंदा जैसा है उसको सेम वैसे ही कलर से बुन लेंगे। वाइट है तो वाइट बुनेंगे, रेड है तो रेड बुनेंगे। ऐसे ही इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अब आ गए ग्यारहवीं सिलाई में राइट साइड में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीन फंदे वाइट, एक दो तीन, फिर एक फंदा रेड,
फिर से पांच फंदे वाइट, एक दो तीन चार और पांच। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के तीन फंदे ये छोड़ के और इन छह फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। एक रेड बनाएंगे, पांच वाइट बनाएंगे, एक रेड बनाएंगे, पांच वाइट बनाएंगे। तो एक फंदा रेड, पांच फंदे फिर वाइट, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे और लास्ट में आएंगे तब आपके यहां पर तीन फंदे वाइट बनेंगे जैसे हमारे स्टार्टिंग में थे। ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट हुई, अब आ गए बारहवीं सिलाई में। यहां पर भी जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। ये तीन फंदे वाइट हैं तो इनको वाइट बनाएंगे, ये रेड हैं तो इनको रेड बनाएंगे, फिर वाइट है तो वाइट बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर से पांच फंदे वाइट बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, फिर से एक फंदा रेड बनाएंगे, फिर से तीन फंदे वाइट बनाएंगे। तो ये हमारी 12 सिलाइयां कंप्लीट हुई और हमारा डिजाइन भी इस तरह से बन के आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप ज्यादा फंदों में बनाएंगे तो ये इस तरह से डिजाइन बन के आएगा। मैंने डिजाइन कंप्लीट होने के बाद 12 सिलाइयों के बाद दो सिलाई व्हाइट कलर से बनाई है, तो हमारा डिजाइन इस तरह से बन के आया है। बहुत ही प्यारा डिजाइन है, किसी भी कलर में आप इसको बनाइए, किसी भी कलर में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, कलर कॉम्बिनेशन पसंद आया हो, बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।